Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, this is the last video of the birthday series. Finally, the birthday is over, but this video is still left. So, please watch it till the end. And today's video is going to be the random shopping haul. Actually, birthday, ke naam pe, I purchased some random stuff like clothes, accessories, and shoes and bags, etc. etc. So बर्थडे मंथ है ये बोल के मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं तो इसलिए आई एम गोइंग टू शो यू सम रैंडम थिंग्स सो दिस इज गोइंग टू बी अ रैंडम शॉपिंग हॉल एंड या इफ यू इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑलरेडी जस्ट गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड या लेट्स गे स्टार्ट विद टूडेज वीडियो सो द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली माई बर्थडे ड्रेस दिच इज फ्रॉम सवाना बट

एंड द अदर थिंग्स इज़ ऑब्वियसली बर दे हील्स सो आई परचेज एक्चुअली थ्री हील्स फ्राम अमेजोन सो फर्स्ट वाली ये हील थी जो कि बहुत प्रिटी लग रही है पिक्चर में लाइक इट्स गिविंग बाबी वाइफ्स बट इन ब्लैक कलर बट ये काफ़ी कम्फर्टेबल थी और मेरी हल्की सी लूज़ थी लेकिन अगर पैर मुड़ता ना तो वो पक्का टूट जाता इसलिए मैंने उसको कर दिया रिटर्न तो इसके अभी मेरे पास सिर्फ एक पिक्चर है ये उसके अलावा आई बॉट टू मोर हील्स फर्स्ट तो है एक ट्रांसपेरेंट पेयर जो कि है ये इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट हील एक्चुअली मैं कब से एक कम्फर्टेबल ट्रांसपेरेंट हील ढूंढ रही थी एंड आई फाउंड दिस वन ये ऐसे टू स्टैप्स में है एंड इसका इतना कंफर्टेबल है लाइक like, एक मेरे पास एक और ट्रांसपेरेंट हील थी वो हमेशा मेरे को शू वाइट देती थी ये वाली जो है इसका ये जो ये काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है बहुत सॉफ्ट है एंड इसकी हील कुछ ऐसे इतनी सी है एंड काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है यहाँ पर अच्छी खासी क्वेश्चनिंग है बट अगेन ये मेरे बड़ी आई मेरा साइज थर्टी है एंड दे सेंड मी फोर्टी तो अगेन मैं इसको भी नहीं पहन पाई बर्थडे पे थैंक गॉड मैंने टू पेयर्स ऑर्डर करे थे तो ये तो मैं नहीं पहन पाई ये मेरे एक साइज बड़ा है तो फिर मुझे इसको करना पड़ेगा एक्सचेंज बट अभी मैंने किया नहीं है तो एक और हील जो मैंने फाइनली अपने बर्थडे पे पहनी भी थी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल दीज आर द वाइट पम्पस और वाइट स्टिलेटोज ये बहुत अच्छी कुशनिंग के साथ है इतने कंफर्टेबल हैं टेबल इट्स फ्रॉम द ब्रांड मार्क लॉयर करके कोई ब्रांड uh, है अमेजोन पे एंड मेरा साइज़ इसमें एकदम परफेक्ट है एंड इट इज़ वेरी परफेक्ट यू कैन सी इन द पिक्चर ये पहनने से इतनी मस्त लग रही थी एंड ये मेरे बर्थडे ड्रेस के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो रही थी सो आई जस्ट लव दीज हील्स एंड या आई गॉट दीज फ्रॉम अमेजोन उसके बाद जो मैंने ऐसे रैंडमली लिया था वो है ये परफ्यूम जो मैंने आई थिंक ऑब्सेशन वाली वीडियो में भी दिखाया था बिकॉज आई एम क्लियरली ऑब्सेस विद दिस वन इट इज़ द रेने ब्लूम परफ्यूम एंड इसके जो नोट्स हैं आई लव इट और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ सो यू कैन वॉच इट राइट नाउ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सो so मैंने ये सेप्टेम्बर में ऐसे ही रैंडमली लिया था नेक्स्ट चीज़ है वो है ये ट्रेंडी क्यूटेस्ट क्लॉकलिप फ्राम पिंट्रेस दीज आर स्ट्रेट फ्रॉम पिंटरेस्ट मेरी पूरी पिंट्रेस फीड पर ये वाले क्लॉकलिप्स थे लाइक फ्लार क्लॉकलिप्स आर इन राइट नाव सो मैंने इसको फोर कलर्स में ऑर्डर किया येलो पर्पल ब्लू एंड पिंक एंड राइट नाव में इसी को यूज़ कर रही हूँ लाइक like, बहुत अच्छा लग रहा है पीछे से बन बना के इसको लगाना और uh, यू मैंने ऐसे अपने बर्थडे पर अपने बैग में इसको साइड में लगाया था तो ये ऐसे बैग में भी शोल्डर बैग में लगे हुए बहुत क्यूट लगते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे और इनकी क्वालिटी इट्स टॉप नॉच यू कैन सी इतनी अच्छी टाइट ग्रिप है इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड आई ऑल्सो गॉट दिस फ्राम अमेजॉन इट इज़ नॉट एन अमेजन हॉल बट या मोस्टली चीजें अमेजोन से हैं तो या आई गोट क्लॉक क्लॉकिप्स नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ बैग द नेक्स्ट थिंग इज दिस बैग विच आई गॉट फ्रॉम एच एंड ये है इनका शोल्डर बैग इन ब्लैक कलर एंड साइड में ऐसे ये बकल डिटेल है इससे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो एंड द ज़िपर क्वालिटी इज़ वेरी गुड बहुत अच्छी जिपर क्वालिटी एंड इसमें अच्छा खासा स्पेस है एंड मुझे ये वाला शोल्डर बैग ही चाहिए था जब मैंने आपको बद सीरीज़ का एक शॉर्ट दिखाया था जिसमें मैंने एक अच्छे शोल्डर बैग की तलाश में मैं स्टोर गई थी जो मुझे नहीं मिल पाया था बट आई गॉट इट इट ऑनलाइन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है चेन के बैग्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड एक ब्लैक शोल्डर बैग की तलाश मेरी फाइनली इस बैग पर जाके ख़त्म होती है ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस टेंट विच इज़ द एट्यूड वाटर टेंट विच इज़ द ड्यूप ऑफ दिस टेंट दिस इज द बेनीटेंट एंड इट इज़ फॉर टू थाउजेंड रुपीज़ बट दिस इज़ फॉर जस्ट फोर हंड्रेड रुपीज़ यू कैन सी इट्स टोटली वाटर आज मैंने इसको अपने चीक्स पे लगाया है एंड द रोज़ी पिंकी यू नो ब्ल ब्लशी जो चीक्स आते हैं ना वो इससे आते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड ये टोटली वाटरी स्टेन है एंड इसका जो टेक्स्चर है वो एकदम वाटर है यू कैन सी एंड ये आपके चीक्स पे एकदम प्यारा सा फ्लश ऑफ पिंक और फ्लैश ऑफ रेड का शेड देता है एंड मेरा इसमें शेड है आई थिंक चेरी या इट्स ज़ीरो टू चेरी इट्स देयर डियर डार्लिंग टेंट एंड इसमें आपको और शेड्स भी मिल जाएंगे द ओनली प्रॉब्लम इज़ ये जो रेड रेड फिंगर्स बचती हैं ना बाद में ये बस मुझे नहीं पसंद बाकी ये बहुत अच्छा टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है अच्छे खास से आपके फोर फाइव आवर्स तक आपके चीक्स पे रहता है बट आई गॉट लकी इन दिस वन मुझे एमेजोन से एक की बजाय दो टेंट रिसीव हो गए हैं यू कैन सी दिस वन इज़ टोटली सील पैक्ड तो मेरे साथ यहाँ पे बाय वन गेट वन हो गया अपने आप ही उन्होंने मुझे दो टेंट भेज दिए एंड आई एम लकी इन दिस बट मैं इन दो टिट्स का क्या करूँगी बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है एंड ये सिर्फ रखे रखे एक्सपायरी होगा तो आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल आई कैन डू अ गिव अवे ऑफ दिस लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू वॉन्ट दिस आई कैन डू अ गिव अवे इसके साथ में थोड़े से और गिफ्ट भी आपको दे दूंगी तो मैं गिव अवे कर सकती हूँ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कॉमेंस ओके तो अब एक दो चीज़ें और बची हैं फर्स्टली आई गॉट टू शार्ट कुर्ताज बिकॉज दिस इज ऑल्सो अगेन इन मैप इंटरेस्ट ऑल ओवर माई फीट शॉर्ट कुर्ताज विस एंड यू नो समल्स बहुत मस्त लगते हैं तो फर्स्ट शॉर्ट कुर्ता है ये इट इज़ ऑफ प्योर कॉटन एंड ये पहन के बहुत प्यारा लगता है यू कैन सी इन द पिक्चर ये मुझे बहुत मस्त वाइब्स देता है एंड ये जीन्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है एंड आई गॉट इट इन द साइज एस एंड एकदम कॉटन का है एकदम कम्फर्टेबल है और एकदम देसी कोर वाइप्स आती हैं इसको पहन के सिमिलरली द नेक्स्ट कुर्ता विच इज़ माई फेवरेट फॉर श्योर तो ये है वाइट कलर का कुर्ता एंड इस पर रॉयल ब्लू कलर से पूरी एम्ब्रॉयडरी है एंड ये भी मुझे बहुत पसंद है एंड अगेन एस साइज़ में ही है एंड अभी भी जो मैंने शॉर्ट कुर्ता पहना है दैट ऑल्सो आई बॉट दिस वन इज फ्रॉम मा यू नो स्ट्रीट मार्केट और ये वाले दोनों मैंने लिए थे फ्रॉम मीशो एंड आई लव ऑल ऑफ दिस ये वाला भी एस साइज़ में ही है इस पर पूरी चिकनकारी एम्ब्रॉयड्री है इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट कुर्ता विद थ्री फोर स्लीवस एंड ये यू you नो know, ऐसे बैंगल्स के साथ और डेंटी इयर रिंग्स या झुमके के साथ बहुत प्यारा लगता है ओके सो लास्ट की एक दो चीज़ें हैं जिसमें से है ये एक टी शर्ट यू कैन सी इस पे लिखा है कॉफ़ी बिकॉज आई लव कॉफी एंड ये हल्का सा यू नो डार्क बेज और चॉकलेटी मतलब तो पता नहीं कोई ब्राउन सा शेड है ये एंड ये ओवर साइज टी शर्ट है आई गॉट इट इन द साइज एम एंड ये लव्ड uh, काय करके एक वेबसाइट है और तो मुझे इनके बहुत सारे एड्स आ रहे थे तो एक ये पूकी वाली टी शर्ट जो थी ये भी वहीं से थी विच वॉज अ बर्थडे गिफ्ट एंड दिस वन कॉफ़ी टी शर्ट दिस आई बॉट बिकॉज मुझे इनकी टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगी एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कम्फर्टेबल है इसको मैंने अभी तक पहना नहीं है बट आई एम एक्साइटेड टू स्टाइल दिस एंड आई जस्ट गॉट इट बिकॉज इस पे कॉफी लिखा हुआ है ओके सो लास्ट एक दो चीज़ है जिसमें से एक तो है बो इयर रिंग्स ये बहुत ही प्यारे स्टर्ट्स हैं इन द शेप ऑफ बो यू कैन सी ये इतने मस्त लगते हैं पहनने से एंड अगर आप इनके साथ कुछ और भी ना पहनो तो दीज आर स्टेटमेंट इन इट सेल्फ एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल येट ऑफ अ गुड क्वालिटी तो अगर आपको चाहिए आई विल लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन ओके सो जो लास्ट चीज़ है वीडियो की वो है एक प्यारा सा ब्रेसलेट विच इज़ दिस वन इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं यू कैन सी द ब्रेसलेट एंड इसमें पूरे ऐसे पर्ल्स लगे हुए हैं एंड मैंने इसको अपने बर्थडे पे पहना था ड्रेस के साथ विद अ कार्टर ब्रेसलेट एंड ये मुझे बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट लगा एकदम डेंटी एकदम सा सोफेस्टिकेटेड और डिसेंट सा ब्रेसलेट है तो आई जस्ट लव दिस वन सो मच एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको दिखानी है बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू बट दोज वर द बर्थडे डे गिफ्ट तो मैं बनाने वाली हूँ एक क्विक गिफ्ट आई रिसीव ऑन दिस बर्थडे तो इफ यू आर एक्साइटेड जस्ट स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ये भी एक गिफ्ट का ही पार्ट है दीज इज आई इयर रिंग्स तो so, मैं अभी से कुछ नहीं बताती मैं बहुत सारे गिफ्ट दिखाने वाली हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो let me know if you like this video video just give it a like comment and subscribe to my channel and i'll see you in my next one till then bye